हाय गाइस, 35 प्लस डेज रिमेनिंग फॉर टेस्टनेट 2022 एंड द बिग क्वेश्चन एज ऑफ नाउ कमिंग अप, शैल आई लीव क्वांट? मैथ्स का सेक्शन अगर हम छोड़ देंगे तो आई कैन क्रैक टीएसएस, इज व्हाट द बिग क्वेश्चन मार्क. ऑल्सो येस्टरडे आई वॉज टेकिंग माई सेशन एट बोरीवली सेंटर, देयर आई मेट सम ऑफ द स्टूडेंट. उनका बोलना ये था कि सर मैथ्स का सेक्शन छोड़ देंगे क्योंकि मैथ्स बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि हो जाएगा, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मैथ्स बिल्कुल भी चालू नहीं किया हुआ है. तो ये क्वेश्चन, ये डाउट आई थिंक सबके माइंड में है कि मैथ्स छोड़ दे कि नहीं. अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी मिस्टेक जो सब ने की हुई है, मैक्सिमम लोगों ने, कि मॉक नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सर मेरी ना अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है और थोड़ी टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. तो वो तो मैंने डे वन से बोला हुआ है कि वो अपना चलते रहेगा प्रिपरेशन, अपने को मॉक तो लिखना ही है. लास्ट वीक तक मैं बोला था 2 मॉक पर वीक, अभी तो 3 मॉक पर वीक का टाइम आ गया है. तो अगर जितने लोगों ने मॉक लिखना बिल्कुल भी चालू नहीं किया हुआ है, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, डोंट डू इट. एंड मैथ्स का सेक्शन मैं छोड़ दूँ, इसका आंसर बिग नो, डेफिनेटली नॉट. ओके, व्हाई आई टेल यू फर्दर. बट अभी 35 प्लस डेज बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, इसमें मैथ्स के सेक्शन को लेकर के क्या क्या काम करना है वो मैं बताने वाला हूँ. तो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड फॉलो द सेम गाइडेंस, सेम स्ट्रैटेजी. जितने लोग को मैथ्स से डर लग रहा है, वीक हो मैथ्स में, मैथ्स छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, वो बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि इंग्लिश के सेक्शन में 30 में से मेरा 30 आ जाएगा, जीके में मेरा आउट ऑफ 40 पूरा आ जाएगा. अगर आपका इंग्लिश में 30 में से 25 प्लस, अगर आप प्रो हो इंग्लिश में तो मैं मान लूँ कि 25 प्लस आएगा, और जीके में इफ़ यू आर प्रो तो 30 प्लस आ जाएगा, तो भी अपना 55 मार्क्स बन रहा. अगर एचआरएमएल और ओडीसेल के लिए टारगेट कर रहे हो तो क्वांट, डीआई, लॉजिक, ये तीनों सेक्शन कंबाइन करके 30 क्वेश्चन आते हैं. इसमें से मिनिमम 15 प्लस तो लाना पड़ेगा, 15 to 20 मार्क्स. 15 लेके आते हो तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 70 बनेगा अपना, और 20 आ गया तो फिर एचआरएमएल और ओडीसेल फॉर श्योर हो जाएगा. सो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि मैथ्स में कुछ टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ. ओके, तो लुकिंग एट मैथ्स का सेक्शन, अभी जो बचे हुए दिन में क्या क्या टॉपिक करने चाहिए, अपना एजेंडा बहुत क्लियर है. 15 टू 20 मार्क्स अपने को लेके आना है मिनिमम, प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश और जीके में अच्छा स्कोर होना चाहिए. ये सेक्शन आपको अच्छा करना पड़ेगा अगर आपका मैथ्स वीक, ये अपने को काम करना है. अगर आपका लग रहा है कि मेरा जीके भी अच्छा नहीं है, मैथ्स भी अच्छा नहीं है, तो फिर डिफिकल्ट होने वाला है, तो फिर आपको जीके पे काम करना पड़ेगा, या तो फिर सेम गोज टू द इंग्लिश. अगर इंग्लिश सही नहीं है तो आपको जीके, मैथ्स, दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली वर्कआउट. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हो, सोशल वर्क के लिए जा रहे हो, बेसिकली नॉन एचआरएमएल और ओडीसीएल के लिए जा रहे हो, तो उसका कट ऑफ आपका लोअर होता है, राइट? बट एचआरएमएल और ओडीसीएल के लिए टारगेट कर रहे हो तो फिर भी अपने को 70 प्लस तो एनी वे हिट करना ही पड़ेगा, स्कोर लाना ही पड़ेगा. अटेम्प्ट आपका कितना भी हो, बट स्कोर जो है एक्चुअल वो 70 प्लस आना चाहिए, ठीक है? ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड, फास्ट ट्रैक बैच सीजन 2 आ गया है. सीजन 1 जो था वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हो गया है, और सीजन 2 में लिमिटेड सीट्स है, तो फटाफट जाके आपकी सीट बुक कर लो. ये बैच आ रही है 27th of January एंड दिस विल बी योर लास्ट बैच फॉर टेस्टनेट 2000 को लेकर. दोज हू हैव नॉट येट स्टार्टेड, स्टिल लैकिंग इन दियर प्रिपरेशन, रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो और वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अ गाइडेंस, सो यू कैन ज्वाइन दिस फास्ट ट्रैक बैच सीजन 2. ये लास्ट बैच रहेगी आपकी, की बुकिंग चालू हो गई है, सीट बुकिंग, सो यू कैन बुक योर सीट. प्री वर्क, पोस्ट वर्क मैंने फास्ट ट्रैक 1 में भी बताया था, सीजन 1 में, और के पहले जो जो बैचेस लॉन्च हुए सब में बताया हुआ है. तो जैसे आप ज्वाइन करोगे, आपका वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस ले लो, आपका ई बुक का एक्सेस ले लो, आपका टेस्ट का एक्सेस, ये सारी चीज़ें, और वीडियोस में क्या क्या करना है उसको लेके वो मैं आगे बताऊँ. तो ये सारे टूल्स लेके पहले तो खत्म करो. पोस्ट वर्क जो है लेक्चर्स के बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी होती है और टेस्ट लिख, तो मेरा जो फर्स्ट सेशन होगा 27th को, उसमें मैं कंप्लीट प्लानिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ. इसके जो लेक्चर्स होंगे वो 4 to 6 hours होने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वीक मतलब 27 से चालू होगा, तो आपका ओवरव्यू, स्ट्रैटेजी पार्ट, जीके को लेकर के ये सब वर्कआउट होगा, और इसका कंप्लीट टाइम टेबल मैं बाई टुमारो और डे आफ्टर तक दे दूंगा कि क्या एग्जैक्टली लेक्चर्स के शेड्यूलिंग होंगे, क्या जाएंगे, हाउ योर लेक्चर विल बी टेकन केयर. तो 4 to 6 hours के अपने लेक्चर्स होंगे. अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भाई अभी जॉब से ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, जॉन्डिस अभी आपको होना चाहिए, है ना? छुट्टी लेकर के, लंबी छुट्टी तभी मिल पाएगी. सो 35 प्लस डेज बचा हुआ है, लास्ट के 15-20 दिन तो अपने को फुल फ्लेज में सिर्फ टेस्ट सोचना है और कुछ नहीं, ये काम. तो वंस अगेन, दो जो वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. एंड अगर प्रिपरेशन आपकी हो गई है तो मॉक लिखना चालू कर दो. स्टैटिक जीके को लेके जितने लोग वीडियोस मांग रहे थे, हाँ भाई, तो आपके पोर्टल पे वीडियो आ गया है स्टैटिक जीके को लेकर के. अगर आप मैन्युअल स्टूडेंट हो, या तो आपने सिर्फ जीके का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, आपके पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक जीके का वीडियो बाय टुमारो दिखने लग जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियोस देखना चालू करो स्टैटिक को लेके, जितने लोग वरीड हो.
और बट इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन द जीके प्रोग्राम तो आप जाके जीके प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स के भी वीडियोस और स्टैटिक के भी वीडियोस आ गए हैं, तो वो चीज़ पे वर्कआउट करना चालू करो। जीके को और अपने को अच्छा करना है, बेटर करना है। जीके इज़ लाइक अ सी, जितना ही पढ़ोगे सफिशेंट बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ जितना अपने पास रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अपने को कंप्लीट करना, ठीक है। और इट सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टॉपिक वर्सेस वेटेज 2020-21। इसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो में बात कर ली हुई है, बट वापस से बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम से 3 to 2 questions, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है आपका, SI CI इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहाँ पे था क्वेश्चन, ये चाहिए तो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, क्यूब एंड क्यूबिट, ठीक है। रेशो से एक क्वेश्चन आता है बट इंपॉर्टेंट है, DI में लगेगा रेशो। लॉग छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, सेट छोड़ सकते हो। PNC देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो नॉट एडवाइजेबल। प्रोग्रेशन छोड़ना है तो तब सीरीज वाला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज जो लॉजिकल रीजनिंग में तो आपका इसमें डाल दिया हुआ। ईजी है, एवरेज, क्लॉक एंड कैलेंडर 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, पड़ेगा एंड ईजी है, क्लॉक एंड कैलेंडर टफ नहीं है। DI क्लियर है, 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, लॉजिक से 3% ठीक है। ये आपकी स्टैटिस्टिक्स है, सबकी वेटेज क्या था 2020-2022 में। अभी क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ देने चाहिए उससे बात करते हैं। 2021-2022 में क्या आएगा ये बेसिकली आप उनको सोचना है, 2020-2021 को लेकर के। ऑल तो ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, बट लुकिंग एट नंबर ऑफ डेज लेफ्ट 35+ डेज एंड जितने लोग का मैथ्स वीक है तो वो कैसे इस सेक्शन को कोपअप करें, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए ज़्यादा है। तो या वेरी फर्स्ट अरिथमेटिक्स से मैं बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक्स में मुझे ये टॉपिक नहीं करोगे चलेगा, पार्टनरशिप नहीं करोगे चलेगा। कल मुझे सेंटर्स पे भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सा टॉपिक मैं छोड़ दूँ, नहीं करूँ, और सिर्फ जो टॉपिक करने चाहिए वो बताइए मुझे। तो वो टॉपिक मैं आज बात करता हूँ, पार्टनरशिप छोड़ दो यार, एजेस छोड़ना है छोड़ दो, मिक्सचर एलिगेशन छोड़ना है तो छोड़ दो, ठीक है। ये 3 टॉपिक आप अरिथमेटिक्स से नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसका वेटेज 8 to 10 क्वेश्चन का है, ठीक है। बट तो ये 3 टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, एवरेज, ये आपके DI में भी यूज़ होने वाले, तो ये तो करनी पड़ेगी। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते ही है, बाकी आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक में आपको इतने सारे टॉपिक करने हैं, आई होप ये क्लियर होगा। अलजेब्रा छोड़ दो, नहीं करना तो छोड़ दो। इनइक्वालिटी वाले इजी वाले क्वेश्चन देखने हैं तो सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप अलजेब्रा। नंबर सिस्टम छोड़ दो, इसमें सिर्फ मुझे LCM SCF करके दे दो, क्योंकि इसमें से फॉर श्योर 1 to 2 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम, ये मेरा इंट्यूशन है, हर साल इस पूछता है LCM, तो नंबर सिस्टम करके लेना है अपने को। देखो मॉडर्न मैथ्स में अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली करो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, अगर छोड़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके जाएंगे, तो इसको आपको रखना है तो लास्ट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्योमेट्री अपन छोड़ नहीं सकते, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री मेंसुरेशन ही अपने को करना होगा, 7+ क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, करने वाला टॉपिक है। DI वी कैन नॉट स्किप, तो ये भी अपने को करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री, DI, अरिथमेटिक, 3 एरिया तो आपको करने ही होंगे मैथ्स में, तो जाके अपना 15 to 20 क्वेश्चन बनने का चांसेस बन जाएगा, इतने क्वेश्चन अपने। बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो मॉडर्न मैथ्स पे वर्कआउट करो। आपका जो फास्ट ट्रैक सीजन 2 का बैच है उसमें हम सब टॉपिक कवर करेंगे, मेजर टॉपिक आपके कवर होंगे। बट जितने लोग को लग रहा है कि भाई मेरा मैथ्स वीक है मैं छोड़ दूँ, तो बिग नो है, मैथ्स मत छोड़ना, तो बहुत डिफिकल्टी हो रहा में, ठीक है। जो जो मैंने टॉपिक बताया यहाँ पे बस इतना कर लो यार, मतलब अरिथमेटिक कर लो, नंबर सिस्टम में LCM SCF, ज्योमेट्री, DI। देखो अगर आपका अरिथमेटिक हो गया ना तो DI अपना बाई डिफॉल्ट हो जाएगा, DI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ज्योमेट्री में थोड़ा सा वर्कआउट करना। ये वीडियोस बनाने का मेन रीजन है कि कल जब मैंने सेशन लेने के बाद आई मेट विद द TI स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग देम आई रियलाइज कि इनको तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सो देर आर पीपल हु नो एवरीथिंग बट नॉट फॉलोइंग इट, तो उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो सेम थिंग आई वॉन्ट यू पीपल नॉट टू डू, ये मत करो यार, मतलब Day 1 से जब मॉक टेस्ट बता दिया है आपको लिखना है, तो मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये बता दिया, बट आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बैठ ही नहीं रहे हो, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। और फिर ये हाल होता है, लास्ट का टाइम बचता है एग्जाम को लेकर के, फिर आ जाता है कि सर अभी तो हुआ नहीं, जब आप खुद नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा। तो काइंडली डोंट डू इट, दोज हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, काइंडली प्रैक्टिस दी क्वेश्चन, सिट विथ यू फॉर द प्रैक्टिसिंग पर्पज, मैथ्स छोड़ देना ये बिल्कुल नहीं लाना है अपने। इफ यू वॉन्ट टू हिट गुड स्कोर एंड वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड इन TSS, डू फॉलो माई गाइड, अगर ये फॉलो करोगे तो आपका स्कोर बनेगा। और इस ओके अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मॉक तो लिखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉक में स्कोर, बट एटलीस्ट उससे अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज हो रही है, वी गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, टाइम
टाइम प्रेशर क्रिएट होता है। डीमोटिवेशन तो बिल्कुल मत आने दो, स्कोर कम आएगा इट्स ओके, बट डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को। आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपको एक्सेस मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो वो वर्कआउट करना है नंबर वन। आपके जो फास्ट ट्रैक बैच में लाइव सेशन होंगे उतने क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी वीडियोस को आपके विद इन 72 आवर्स आपके वीडियोस पोर्टल पे आते हैं, उससे पहले ही आ जाते हैं नेक्स्ट डे, तो वो वीडियोस को देखना है। और आपको 15 से 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपके जो मेन्यूअल की बुक है ये लेके रखी हुई है, ये बुक्स जो है इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको ई बुक्स मिलेगी, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक हार्ड कॉपी तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू आर टीम, दे विल गाइड यू। ओके, तो ये आपको वर्कआउट करना है लेकर के। मैं पोर्टल भी दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या वीडियोस आप स्टार्ट कर देते, बट उसके पहले ये एरिया पे आपको वर्कआउट करना है। बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स तो पहले देख डालो यार, स्पीड मैथ्स के वीडियोस देख डालो, स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन टेबल ये सब पे वर्कआउट। अपने कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पता होगा तो आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे टेस्ट में। थियोरी पार्ट जो प्रैक्टिस करने है क्वेश्चन, जैसे बोला आपको मैनुअल की बुक से या जो भी बुक है आपके पास, उसके बाद आपका स्पीड पे वर्कआउट करना है ग्रेजुअली, वो प्रैक्टिस के बाद होगा। फिर आपका टेस्ट लिखना है और रिवीजन करना है। तो टॉपिक टेस्ट पे भी यू कैन वर्कआउट, और फुल लेंथ मॉक, 3 मॉक पर वीक आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। सो रफली वी हैव 6 वीक लेफ्ट रफली, ठीक है। अगर आप पर वीक 3 मॉक लिख रहे हो तो 18 ही मॉक हुए, आपके मैनुअल के पोर्टल पे 25 मॉक है। तो लास्ट के जो 10 से 15 दिन बचेंगे उसमें अपन मॉक को ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी के लिए ये वर्कआउट आपको करना है, मैथ्स छोड़ना नहीं है। सो लेट मी गाइड यू द पोर्टल फर्स्ट और इट्स वंस यू जॉइन द फास्ट ट्रैक बैच आपको पोर्टल मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स का, ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं। क्वांट में स्पीड मैथ्स के 7 वीडियोस है, इसको देख करके रैंडम नंबर लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। स्पीड मैथ्स परसेंटेज के वीडियोस आपको, ये होमवर्क है, ये करना है आपको। हाँ, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो या कल देख रहे हो, द डे यू आर जॉइनिंग फास्ट ट्रैक बैच, ये एक्सेस मिल रहा है आपको। स्पीड मैथ्स परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसको देख के खत्म करो, एटलीस्ट आपका बेस अच्छा हो जाएगा। ओके, इंग्लिश पूरा कंप्लीट करो यार, डोंट वेट फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए वेट करना, बिकॉज नो वन कैन टीच यू इंग्लिश, यू आर ओन फैकल्टी फॉर इंग्लिश। जस्ट हैव टू वर्क ऑन द ग्रामर रूल्स पार्ट, उसको लिए मैंने हैंडआउट्स आपको बता दिया है ग्रामर को लेकर के, एंड आपका वीडियोस ग्रामर को लेकर, बाकी आरसी पैराग्राफ जंबल वो वीडियो लेक्चर्स आपके होंगे बट वीडियोज देख के खत्म करो, ठीक है। तो आपके स्पीड मैथ्स को लेकर सेशंस नहीं होंगे, ग्रामर रूल को लेकर सेशंस नहीं, दीज ऑल आर द बेसिक थिंग जो आपको पोर्टल से ही देख लेनी है। तो मैं कल या परसों तक आपको पूरा टाइम टेबल दे दूंगा। तो लाइकवाइज ज्योमेट्री को लेकर के ऑल दिस वीडियो यू हैव टू वॉच, देन आपका मेंसुरेशन हो गया, ओके, नंबर सिस्टम हो गया आपका, नंबर सिस्टम को लेकर सारी वीडियोज, तो ये सारे आपको वर्कआउट करने हैं। यहाँ पे हैंडआउट्स के लिए नहीं जाना आपको, तो दीज आर द वीडियो विच यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग, ठीक है ना। डोंट वेट कि 27 को बैच चालू होगी तभी मैं प्रिपरेशन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड एक मॉक तो आज ही लिख दो, जिस दिन आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो एक मॉक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कोर कम आएगा नहीं होगा ना, चलेगा अपने को। अपने पास 25 मॉक है, 10 मॉक अगर हम खराब भी करते हैं अपने ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वंस अगेन गाइस, मैथ्स अपने को स्किप नहीं करना है, मैथ्स अपने को करना है, तभी अपना स्कोर 70 अराउंड बनेगा। अगर आप नॉन HRML और ODCL के लिए भी जा रहे हो तो उससे थोड़ा कम स्कोर आएगा। तो इफ यू आर गोइंग फॉर नॉन HRML एंड ODCL कोर्सेज, देन योर कट ऑफ विल बी ऑब्वियसली लोअर देन 7, तो वहाँ पे तो अपना सिलेक्शन का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट HRML एंड ODCL के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन। तो या दोज हु वांट टू जॉइन अस फॉर द टेस्ट फास्ट ट्रैक बैच कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन, बट 2023 की भी बैचेस लॉन्च हो गई है। एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू जॉइन 2023 बैचेस, वंस अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन। एंड या ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग फ्रॉम मुंबई बेस्ड बोरीवली वसई एंड दादर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन active first mock test books online program ko leke all the link I have mentioned in the description, kindly check the description and do subscribe the maneuver test entrance alag se test specific channel hai guys, usko subscribe kar lo, wahan pe aapko test specific videos milenge, and get connected us on social media handles Facebook, Instagram, Telegram, GK ke questions wahan pe update hote rehte hain weekly wale jo important hai jo aapke test mein banenge, theek hai, exam updates notification aate rehte hain, to yahan pe jaake connect ho jao। Prepare well, see you in the Fast Track Bass Season 2. All the very best. Thank you.